हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस आज हम बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस टॉपिक के बारे में ये एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवर किया है नोट्स भी इसके एमएससी के लेवल से ही प्रिपेयर किए हैं इसमें चार टाइप एक्सप्लेन करने हैं मेटामॉर्फोसिस के और इसका हार्मोनल कंट्रोल की कैसे जो हार्मोन है वो मेटामॉर्फोसिस को गवर्न करते हैं तो जो मेटामोफोसिस वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मेटामोरफोम से डराइव्ड वर्ड है और इसका मीन होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना किसी इमेच्योर लार्वल फॉर्म का किसी इमेच्योर लार्वल इंडिविजुअल का सेक्सुअली मेच्योर रिप्रोड्यूसिंग अडल्ट के अंदर और जो अडल्ट होगा ना वो लार्वल फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म होगा उसका स्ट्रक्चर अलग होगा उसका हैबिट अलग होगा फिर हम टाइप की बात करें कि जो मेटामोरफोसिस है वो मेनली चार टाइप की मिलती है नो no मेटामोरफोसिस या फिर हम बोलते हैं ए मेटाबोलस डेवलपमेंट इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस या फिर हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट ग्रेजुअल या फिर प्योरोटाबोलस डेवलपमेंट कम्प्लीट मेटामोरफोसिस या फिर होलोमेटाबोलस डेवलपमेंट तो पहला नो no मेटामोरफोसिस या फिर ए मेटाबोलस डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर जो निवली हैस्ट वन होगा वो अडल्ट से बिल्कुल डिटो सिमिलर मिलेगा सिर्फ उसके साइज़ में फ़र्क होगा अडल्ट बड़ा है वो छोटा मिलेगा और उसके आर्मेचर में फ़र्क होगा जैसे अडल्ट उसके पर सीटें प्रेजेंट है स्पाइंस प्रेजेंट है और न्यूली हैस्ट वन के अंदर ये नहीं मिलेंगे फिर जो न्यूली हेस्ड वन है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर फॉर्म में नहीं मिलते वो अडल्ट के अंदर जब वो मेटामोफोसिस के बाद अडल्ट में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका मैच्योरेशन होगा अगर एग्जांपल की बात करें तो लेपिज़मा सिल्वर फिस और स्प्रिंग टेल्स देन जो सेकंड वन है इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस या फिर हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट इसके अंदर क्या होगा कि जो इमेच्योर स्टेज है जो निम्फ है नेड है इमेच्योर स्टेज को ही बोलते हैं निम्फ या फिर नेड उनके पास विंग्स नहीं होते और एक्सटर्नल जेनाइटल अपेंडेजिज मैच्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे ये एक्वेटिक मिलेंगे और रेस्पिरेशन इनके अंदर होगा थ्रू ट्रैकियल गिल्स जब ये कन्वर्ट होंगे अडल्ट में मेटामोफोसिस के बाद तो जो अडल्ट है उसका हैबिटेट अलग होगा वो टेरेस्ट्रियल होगा एरियल होगा और रेस्पिरेशन करेगा थ्रू ट्रैक के जैसे जो लाइफ साइकिल बना के दिखा रखी है कि एग से नींफ और नींफ से अडल्ट तो जो एग है उससे जो निम्फ बना न्यूली हैस्ड निम्फ है वो अडल्ट के सिमिलर दिखेगा फिर लेट निम्फ और फिर अडल्ट इसके अंदर जो मोल्टिंग है वो एक बार ही होगी और मोल्टिंग बार बार नहीं चलेगी जो निम्फ है वो सिर्फ अपने साइज में ग्रोथ करता है एग्जाम्पल लें मे फ्लाई ड्रैगन फ्लाई स्टोन फ्लाई का देन थर्ड वन है ग्रेजुअल या फिर प्यूरोटाबोलस डेवलपमेंट इसके अंदर ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे सक्सेसिव मोल्टिंग चलेंगी एक के बाद एक मोल्टिंग मतलब सेवरल निव स्टेज आएंगी बहुत सारी जो निवली है स्टे वो रिजेंबल करेगा अडल्ट से उसकी जो जनरल बॉडी फॉर्म है वो अडल्ट के जैसे दिखेगी बस उसके पास विंग्स नहीं मिलेंगे और एक्सटर्नल जेनाइटल अपेंडिज इमेच्योर फॉर्म में मिलेंगे जो निम्फ है यंग वन है वो बहुत सारे सेवरल निम्फ स्टेज के थ्रू गुजरेगा और उसके अंदर अडल्ट बनने से पहले काफ़ी सारी मोल्टिंग स्टेजेस आएंगी जैसे ग्रास ओपर है एफिड है स्टिंग बग है ये इसके एग्जांपल हो गए जैसे कि भाई ये एग्स हैं और इन एग के बाद ये न्यूली हैस्ड वन बना तो इसके बाद फिर से मोल्टिंग होगी फिर से नया निफ बनेगा फिर से मोल्टिंग होगी फिर से नया निफ बनेगा फिर से मोल्टिंग होगी फिर निफ बनेगा फिर मोल्टिंग करके अडल्ट तो इसमें बहुत सारे सेवरल स्टेजेस इंक्लूड हुई हैं मोल्टिंग की इसलिए हम बोलते हैं इससे सक्सेसिव ग्रेजुअल या फिर प्योरोटाबोलिस टाइप का डेवलपमेंट फिर जो फोर्थ वन है यानी कि कंप्लीट मेटामोफोसिस वो इंक्लूड करता है चार डेवलपमेंटल स्टेजेस को एग लार्वा प्यूपा एंड अडल्ट ये चार स्टेज को वो इंक्लूड करेगा जो लार्वा है वो हैचिंग के बाद मोल्ट करेगा सेवरल टाइम उसमें मोल्टिंग चलेगी जैसे एग है एग से निकला लार्वा लार्वा में क्या चलेंगी बहुत सारे टाइम मोल्टिंग चलेंगी वो प्यूपा में कन्वर्ट होगा जो प्यूपा है वो अपने अराउंड एक प्यूपेरियम का केस रखता है उस पिपेरियम में से निकलता है यंग अडल्ट और वो अडल्ट निकलेगा उस प्यूपेरियम को ओपन अप करके उसमें से जैसे अंडे में से बच्चा निकलता है इस टाइप से प्यूपा है प्यूपेरियम में से अडल्ट बाहर निकलता है और वो ग्रो करेगा मैच्योर फॉर्म में और अडल्ट मेच्योर बनाएगा तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मोल्टिंग हुई यहाँ पर मोल्टिंग हुई लार्वल मोल्टिंग बोलते हैं यहाँ पर अडल्ट या फिर प्यूपर मोल्टिंग बोलते हैं तो इसके अंदर जो ये एग लार्वा प्यूपर अडल्ट ये चारों जो स्टेज आती है ये एग के बाद मोल्टिंग से आएंगी जैसे एग में एग से लार्वा निकला मोल्टिंग मोल्टिंग फिर अडल्ट एक्जाम्पल हाउस फ्लाई मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई फिर हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक तरीके से समझाया है कि इनका जो ब्रेन है जो सेरिब्रल गेंगलियोन है उस उसे बोल देते हैं ब्रेन उसके पास न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स प्रेजेंट हैं ये जो न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स हैं ये क्या करती हैं ब्रेन हार्मोन सीक्रेट करेंगी ये ब्रेन हार्मोन काम करता है कॉर्पोरा कार्डिएका के ऊपर जो कॉर्पोरा कार्डिएका है ये पीटीटीएच हार्मोन को सीक्रेट करती है पैराथायरॉयड ट्रोपिक हॉर्मोन ये पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर या फिर एक्डाइसियल ग्लैंड के ऊपर काम करेगा प्रोथोरेसिक सॉरी प्रोथोरेसिक ग्लैंड के ऊपर और एग्डाइसियल ग्लैंड के ऊपर काम करेगा पीटीटीएच और इसी के नीचे जो ये कोरपोरा कार्डिय का है इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कोरपोरा एलेटम जैसे ये इस टाइप से ब्रेन है इसके नीचे ये कोरपोरा कार्डिय का इसके नीचे ऐसे ये कोरपोरा एलेटम जो कॉरपोरा एलेटम है वो जुएनाइल हॉर्मोन को सीक्रेट करेगा ये ऊपर वाला ये हेड रीजन है थोड़ेसिक रीजन फिर जो कोरपोरा कार्डिय का है ना उसके अंदर दो रीज़न प्रेजेंट होते हैं एक तो नॉन न्यूरल हार्मोन का सीक्रेशन करेगा और दूसरा न्यूरल हार्मोन का सीक्रेशन करेगा कि इस तरीके से न्यूरल हार्मोन को सीक्रेट करने वाला और नॉन न्यूरल हार्मोन को सीक्रेट करने वाला रीज़न दो रीज़न प्रेजेंट होंगे कॉर्पोरा कार्डेका के अंदर तो जो नॉन न्यूरल हार्मोन है वो है हाइपर ग्लाइसमिक हॉर्मोन एडिनोकनेटिक हार्मोन जो कोर्पोरा कार्डे का है वो टोटल तीन यहाँ से दो और यहाँ से एक तीन हार्मोन को सीक्रेट करता है नॉन न्यूरल हार्मोन दो हैं और जो न्यूरल हार्मोन है वो एक है पीटीटीएच प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन ये न्यूरल हार्मोन है ये स्टूमुलेट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को जो हाइपर ग्लाइसमिक हॉर्मोन है वो क्या काम करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज और एनर्जी में कन्वर्ट करेगा सो डिस्टेंस फ्लाइट के लिए और जो एडिनोकाइनेटिक हॉर्मोन है वो एडिपोज टिश्यू को कन्वर्ट करता है फैट और एनर्जी में लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए फिर जो ब्रेन हॉर्मोन है वो सीक्रेटिड होता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल ओ ब्रेन से ये लिपिड नेचर का है और अभी यहाँ से बताया कि ये एक्टिवेट करता है कोरपोरा कार्डियका को फिर जो प्रोथोरेसी ग्लैंड हॉर्मोन है केमिकली ये एक्डाइसोन है इस ये हार्मोन मोल्टिंग को ट्रिगर करेगा इसकी ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है मोल्टिंग को ट्रिगर करने के लिए ये इस टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं बाइलेटल शीट ऑफ सेल प्रेजेंट है थोरेक्स के अंदर प्रोथोरेसिक ग्लैंड बोलते हैं पेयर्ड होंगी कॉर्पोरा अलाटा है वो सीक्रेट करेगा जुवेनाइल हार्मोन नॉन स्टीरोडल लिपिड नेचर का है ये और रेगुलेट करता है ये मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को ये मोरफोजेनेसिस को प्रमोट करेगा ये मोर्फोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा और मेटामोर्फोसिस को ये प्रमोट करने का काम करता है फिर जैसे जो ग्लैंड है वो एक्डाइसोन हार्मोन को कैसे रिलीज करती है थ्रू आर टी के पाथवे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पाथवे के थ्रू एक्डाइसोन को ट्वेंटी ई e भी बोलते हैं ट्वेंटी हाइड्रोक्सी एक्डाइसोन ये स्टीरोडल नेचर का है और जो जुएनाइल हार्मोन है वो नॉन स्टीरोडल नेचर का है फिर जैसे ये पूरे का अप करने के लिए एक ये फ्लो चार्ट टाइप का बनाया है कि जो ब्रेन है उससे ब्रेन हार्मोन निकलेगा वहाँ से कोर्पोरा काडेगा का के पास ये जाएगा उसे स्ट्यूमलेट करेगा इसका नोन हॉर्मोनोलिजन है और नॉन न्यूरल हार्मोन और न्यूरल हार्मोनल रीजन है ये एडिनोकाइनेटिक और हाइपरग्लाइसमिक यहाँ से पी टी टी एच एक्डाइसोन रिलीज करवाएगा बीटा सेल्स मोल्टिंग हार्मोन को सीक्रेट करेंगी प्यूपा से एडल्ट में मोल्टिंग में ये काम आएगा और जो कॉर्पोरा कार्डे का है वो ब्रेन से जे एच आर एच ज्यूएनाइल हॉर्मोन रिलीजिंग हारमोन सीक्रेट होगा कॉर्पोरा अलेटम के ऊपर आ, काम करेगा और ये फिर जो कॉर्पोरा अलेटम है ये जुवेनाइल हार्मोन को सीक्रेट करेंगी अगर ये हार्मोन प्रेजेंट होगा तो अडल्ट की फॉर्मेशन कभी नहीं होगी और जो अडल्ट जो लार्वा है वो प्यूपा या फिर जुवेनाइल स्टेज में ही रहेगा यंग वन जैसे इन दोनों की कंसंट्रेशन कैसे काम करेगी मोल्टिंग हॉर्मोन एक्डाइसोन और जे की लार्वा से लार्वा और लार्वा से प्यूपा प्यूपा से अडल्ट जब लार्वल मोल्टिंग चलेगी तो दोनों की कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए जब लार्वा से प्यूपा बनेगा प्यूपल मोल्टिंग चलेगी तो भी दोनों की कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए लेकिन जब प्यूपा से अडल्ट बनता है जब अडल्ट मोल्टिंग चलेंगी तो जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत कम अमाउंट में या फिर ना के बराबर होगी और मोल्टिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन पूरी होगी तभी प्यूपा से अडल्ट बनेगा अगर इस टाइम पे जुएनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अडल्ट कभी भी नहीं बनेगा जो प्यूपा है वो उसमें मोल्टिंग रहे होती रहेगी होती रहेगी और वो कभी भी अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा इसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं आई पी एम में इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में आई होप आपको ये समझ आया होगा मेटामोरफोसिस इसके टाइप्स इसमें कैसे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ये मेनली uh, एम और बी दोनों के लिए उस लेवल का नोट्स हैं ये मैंने एक्सप्लेन भी उसी के हिसाब से किया है थैंक यू